वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 40 प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट अध्याय 14 गणितीय कथनों की जांच का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीक्वेंस कर रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम क्लास 10 सीजी बोर्ड का हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को बेनिफिशियल हो, दोनों को समझ में आए इस तरीके से हम पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे इसका मैथ्स का, ठीक है। और जैसे ही मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हम इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीक्वेंस चलाएंगे, ठीक है, एक हम सीरीज बनाएंगे, ठीक है। तो ठीक है पहले अपन कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, सिद्ध करें कि 4m प्लस 9 एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। इसका मतलब हमें ये प्रूफ करने हैं कि 4m प्लस 9 इज अ इंटीजर, इंटीजर यानी कि 1, 2, 3, 4 या -1, -2, -3, ठीक है। तो हमें यह बताना कि एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक यानी कि विषम संख्या मान के चलो, ठीक है। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं होता, ठीक है। और उसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमको दर्शाना हो विषम संख्या तो हम कैसे दर्शाते हैं, हम ऐसा कुछ दर्शाते हैं 2x + 1, विषम को ऐसा दर्शाते हैं और सम को 2x + 1 2x से, ठीक है। ये इवन को ऐसे दर्शाते हैं, शो करते हैं, और ऑड को ऐसे, ठीक है ना, क्लियर है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो हमको ये प्रूफ करने की 4m प्लस 9 ये एक इंटीजर है, ठीक है, और जहां m एक पूर्णांक है, ठीक है, m जहां पे यानी कि ये एक पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, हमें ये बोला गया, चलो ठीक है। तो 4m प्लस 9 इसको हमें एक विषम पूर्णांक बताना है, ठीक है, विषम पूर्णांक यानी कि ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर हम कैसे बता सकेंगे, ऑड इंटीजर मतलब हम समझ सकते हैं कि ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए क्या होता है, ऑड नंबर के लिए कुछ ऐसा दिखाना होता है 2x + 1, यानी कि कुछ सम संख्या, और उस सम संख्या में अगर एक को ऐड कर दूं, जोड़ दूं ना, तब वो विषम संख्या हो जाएगा। तो इसको मुझे वैसा कुछ दिखाना होगा, कुछ 2 × मल्टीप्लीकेशन में कुछ और फिर प्लस 1, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे, देखिए समझते हैं, गिवेन दिया है, हिंदी मीडियम वाले इसको लिख लेना, दिया है क्या, दिया अपने को 4m प्लस 9 ये स्टेटमेंट दिया ना पी, इसको हमें ऑड दिखाना है, ठीक है, ऑड दिखाना है, विषम पूर्णांक दिखाना है, कैसे दिखा पाएंगे। तो और दिखाने के लिए सबसे पहले तो एक को अलग करना पड़ेगा, प्लस वन करना पड़ेगा, तो 4m ये प्लस 9 से प्लस 1 कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, प्लस 8 प्लस 1 ऐसा कर सकते हैं, देखो 8 प्लस 1 क्या होता है 9, तो ये दोनों का मतलब तो एक ही है, बस एक को बाहर निकालते हैं, एक को निकाल दिया, क्लियर है। फिर पी इक्वल्स टू हमको इसको सम दिखाना है, फिर सम दिखाएंगे, फिर एक जोड़ देंगे तो भी सम हो जाएगा। तो इसको सम दिखाने के लिए 2 कॉमन लेना होगा, मल्टीप्लीकेशन में दिखाना होगा, तो 2 को बाहर निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल देंगे, क्या होगा 2m प्लस 4 प्लस 1 आ तो गया, 2 के साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में सम संख्या प्लस 1 कर दे विषम संख्या, ठीक है। तो p इक्वल्स टू 2 और इसको मैं कुछ मान लेता हूं, m तो पहले ही दिया हुआ, तो इसको m नहीं कुछ और मान लेता हूं, कुछ और अल्फाबेट, सपोज अपन इसको k मान लेते हैं या x मान सकते हैं, 2k प्लस 1 ये आ गया आपका विषम संख्या का फॉर्मेट। और यहां पे हम लिख देंगे कि 2m प्लस 4 को हम k मानकर चले हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेंस p is an odd integer, ठीक है, अतः p एक विषम पूर्णांक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे, तो इसे आप नोट कर लीजिए, थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।